नए शब्द आदिम आदिकाल में संयोजन मिलाना व्यथित दुखी समृद्ध धनवान प्रगति उन्नति निर्जीव प्राणहीन पूर्णत्व पूर्णता उच्चरित कहा हुआ सार्थक जिसका कोई अर्थ हो जीवंत जीवित निष्क्रिय कृतिहीन एकाग्रता मन का स्थिर होना मिलनसार मिलजुल कर रहने वाले मुहावरे दरार पड़ना दूरी बढ़ना अनाप शनाप बोलना निरर्थक बातें करना स्वयं अध्ययन वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ। हमारी वाणी शिष्ट होनी चाहिए। कहा गया है सत्य ब्रूयात यानी सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। प्रिय ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए। अहंकार रहित वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर सुनने वाला भी सुखी हो जाए और अपने मन को भी शांति मिले। विवेकपूर्ण वाणी बोलनी चाहिए अर्थात कहाँ किसे और कैसी वाणी बोलनी चाहिए उसका पूर्ण विचार करके बोलना चाहिए। बड़ों के लिए आदरार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही सत्य यदि अप्रिय हो तो नहीं बोलना ही इतकर होता है। सुनो तो जरा भारत के संविधान की उद्देशिका सुनो और दोहराओ। बात से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बातें आती पाए का अर्थ है बात से आती प्राप्त करना। यदि आपको बोलने की कला आती है तो आपकी हर बात पूरी हो सकती है। बड़ी से बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है। इसके विपरीत यदि बात करने नहीं आता है तो कहीं भी आप समस्या उपस्थित कर सकते हैं। जो कार्य आसानी से संपन्न हो सकता है वो काम बिगड़ भी सकता है। यही नहीं यदि आपने किसी को कटु वाणी बोल दी तो वह आग बबूला भी हो सकता है। संभवतः वो आपको मार मार कर आती पाँव जैसा भी बन सकता है। अतः बात करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सोच समझकर बात करनी चाहिए। आपकी बात का सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह विचार करके ही बोलना चाहिए। विचार मंथन पत्नी मीठी कांड सी। पत्नी का अर्थ है हमारा कथन अर्थात हमारी वाणी। वाणी मीठी होनी चाहिए एकदम गुड़ के समान। कहने का आशय यह है कि हम जो भी बोले उसका प्रभाव सुनने वाले के ऊपर अच्छा व सकारात्मक हो। एक बार मुख से शब्द निकल जाए तो वापस नहीं आता है। वाणी के कारण दोस्त और दुश्मन बनते हैं। मधुर वाणी को औषधि के समान माना गया है जिसे सुनकर सुनने वाला शांत एवं आनंदित हो जाता है तथा अपने मन को भी परम सुख की अनुभूति होती है। तभी तो कहा गया है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे आपू शीतल होई। कोजबीन अजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर ग्रंथावली से 5 दोहे ढूंढकर सुंदर अक्षरों में लिखो। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे दुख काए को होई। तिनका कबहू ना निंदिए जो पाँव तले होई कबहू उड़ आंको पड़े पौर गनेरी होई। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लांगू पाई बलियारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताई। जाति न पूछो साधु की पूछी लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। माया मरी न मन मरा मर मर गया शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। भाषा का क्या अर्थ है इसके कारण क्या हुआ है। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास भाषा के कारण हुआ है। भाषा के कारण है मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा समृद्ध कैसे होती है। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से
मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिखो। शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। मनुष्य को असाते हैं, व्यतीत भी करते हैं। भाषा समृद्धि के कारण लिखो। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से परिश्रम से साध्य हो सकती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। विरोधार्थी शब्द लिखो। निरर्थक, सार्थक, सजीव, निर्जीव, अवगुण, गुण, अनिच्छा, इच्छा, दुर्जन, सज्जन, वियोग, सहयोग, सक्रिय, निष्क्रिय, शत्रुता, मित्रता, परतंत्र, स्वतंत्र, सुंदर, असुंदर। वचन बदल कर लिखो। यात्रा, यात्राएं, संस्कृति, संस्कृतियां, भाषा, भाषाएं, संसार, संसार, नमूने, नमूना, ध्वनि, ध्वनियां, तरंग, तरंगे, कला, कलाएं, दरार, दरारे। भाषा की ओर नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। लक्ष्मी डैश यहाँ से 10 दूरी पर है। मील, मिल। लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। डैश छोड़ दूंगा पर डैश नहीं छोड़ूंगा। प्रण, प्राण। प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। डैश को देखकर रुचिका डैश पड़ी। अंश, अंश। अंश को देखकर रुचिका अंश पड़ी। शब्द डैश में डैश शब्द मिलता है। कोश, कोश। शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है। डैश रात डैश दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। दिन, दिन। दिन रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। नदी के डैश का डैश जल समेटा नहीं जा सकता। कुल, कूल। नदी के कूल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। डैश दिवाली में जलाकर देहरी पर रख डैश दिया, दिया। दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। बालक डैश से पानी डैश ए पीता, पिता। बालक पिता से पानी पीता है।